गीले है क्या अभी तक? अरे नहीं सूख गया। ओहो कड़क धूप लगी है भाई, सूख गया भाई, सूख गया। लाइट नहीं आ रही ना प्रॉपर, एक सेकेंड, इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो ऐसा करते हैं रिंग लाइट चला लेते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्वीट होम। और अब प्रॉपर अच्छे से दिख रहा होगा। तो भाई कल रात मैंने सेम चीज गीला करके रखा था, साफ हो गया, हद से ज्यादा कुछ ज्यादा ही साफ हो गया। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी जल्दी सूख जाएगा, पर मैंने उस टाइम टाइम नहीं देखा था। अभी टाइम पता क्या हो रहा है? तो अभी टाइम हो रहा है 1:03, चेक कर रहा था मैं। तो ये जैकेट तो सूख गया, बस पैक करके रखना है मुझे। अपना बैग लेके आना है मेरे को, जो बैग में टाई वगैरह करता हूँ वो लेके आना, वो रखना भाई साहब। तो आज पूरा क्लियर हो जाएगा, जो भी समेटता हूँ ना ट्रिप से, ट्रिप पे जाने के लिए जो समेटता हूँ और ट्रिप से आने के बाद जो समेटा जाता है वो काम सिर्फ 2 दिन का होता है भाई। ठीक है, पहले बाइक का काम होता है पूरा कम्प्लीट, फिर राइडिंग गियर्स, ग्लव्स वगैरह, हेलमेट वगैरह। हेलमेट तो अभी तक क्लीन छुआ भी नहीं मैंने जब से आया, बस डाटा ट्रांसफर किया था गोप्रो निकाल के, मैंने नहीं छुआ। तो जल्दी से पैडिंग वगैरह डालते और इसको पैक करके रखते। अब इसका कोई काम नहीं है, मतलब अगली राइड तक तो कोई काम नहीं है। हेलमेट भी क्लीन हो गया, देखो वाइजर दिख रहा है कितना ज्यादा क्लीन है। धोने के बाद वॉश किया मैंने इस वाइजर को, तो मैं मजाक लग रहा हूँ कि इतना आसान होता है केयर करना अपनी चीजों का, नहीं होता बिल्कुल भी। और राइड के दौरान भाई मेरे को अपनी 2 चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया था। राइडिंग गियर्स तो बात ही नहीं करते राइडिंग गियर्स के बारे में, स्काला छोड़ो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि 2 चीजों के बारे में मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो मेरा वो था कि फॉग एंटी फॉग स्प्रे, 100 रुपए का था भाई। और लेंस कार्ड भाई, कहीं पे भी लेंस कार्ड खुला हुआ है, पूरी दुनिया में खुला हुआ है लेंस कार्ड, कहीं से भी जाके तुम परचेज कर सकते हो। पता नहीं मेरा पहले दिमाग क्यों नहीं चलता था कि ऐसा कुछ भी होता, वरना काफी राइड मेरी बहुत ही ज्यादा बेकार रही है क्योंकि अंदर फॉग जम जाता था। पर अब मेरे को सॉल्यूशन मिल गया और आई विश कि तुम लोगों को भी मिल जाए। और दूसरी चीज जो रिकमेंड करूंगा भाई मैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है ल्यूम HJG की फॉग लाइट गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये राइडिंग में, लॉन्ग राइड में, नाइट राइड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास ब्लैक वाइजर है तो देखो, सच में देखो, ट्रांसपेरेंट वाइजर में भी लोग लगाते हैं फॉग लाइट, क्योंकि काफी राइड देखना पड़ता है, काफी दूर का देखना पड़ता है, तो इस वजह से लगाते हैं। और मैंने कभी नेपाल राइड से पहले मैंने रात में राइड नहीं किया था, ठीक है, मैं रात में राइड नहीं करता था। फिर मैंने जब नेपाल राइड करी उसमें मेरे को इतनी ज्यादा दिक्कत हुई कि मैं अनिल भैया के पीछे और नरेश भाई से आगे मीट में चल रहा था, क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं थी, फॉग लाइट, हेडलाइट थी, पर हेडलाइट के बाद ये सीन होता है अगर मैं हेडलाइट दिखती नहीं है, सर बता रहा हूँ, रात में हेडलाइट का कोई असर नहीं होता है। तो ऐसा सीन था भाई कि जब मैं अपना वाइजर बंद कर रहा था तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, वाइजर खोल रहा था तो जो इंसेक्ट होते छोटे छोटे वो मेरी आंखों में जा रहे थे, चश्मे पे लग रहे थे और ठंड भी लग रही थी, तो उस चक्कर में मेरे को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता था उस टाइम पे। फिर मैंने इस राइड से पहले ये लगवाई थी, इस राइड के लिए नहीं लगवाई थी प्रॉपर, मैंने किसी और राइड के लिए लगवाई थी, पर मैं इस राइड पे गया और मतलब मैं पहाड़ों पे जा रहा था, उस वजह से मैंने ये लगाई थी, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, ये मेरे को पड़ी थी 1750 रुपए में, ल्यूम HJG वर्जन 2, जिसमें कुछ फर्क नहीं है वर्जन 1 और वर्जन 2 में। वर्जन 1 में फैन आता है, वर्जन 2 में रिले आती है, ठीक है। ये जो है इसमें रिले है, इसमें फैन नहीं है। वर्जन 1 में फैन आता है और वर्जन 1 में येलो लाइट है, व्हाइट लाइट है बस, और फ्लैशर शायद नहीं है, फ्लैशर नहीं है, येलो और व्हाइट है। इसमें येलो, एक सेकंड, इसमें येलो है, व्हाइट है, रेड है, डेवी लाइट और फ्लैशर है। वो सब मैं सिनेमैटिक में दिखाऊंगा, ऐसे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। जाऊंगा मैं लेने के लिए सिनेमैटिक, अभी नहीं जा रहा, मेरे को अभी सामान अपना जो वो बैग में जो भर के लेके गया था वो भी मेरे को अलमारी में लगाना है अभी, और बहुत सारे काम है अभी मेरे को, अभी नहीं जा रहा मैं। और मैं जाऊंगा और इसी वीडियो में सिनेमैटिक दिखाऊंगा आप लोगों को, इसकी सारी लाइटें ऑन करके दिखाऊंगा, इसके सारे फ्लैशर ऑन करके दिखाऊंगा। और बहुत ही ज्यादा काम की चीज है भाई ये, 1750 रुपए और बहुत ही काम की चीज है भाई सच में। ये लगवाने के बाद पता चली है मुझे, लगवाने से पहले मैं सोच रहा था क्या लगवानी, पर लगवा लो अगर तुम राइड करते हो भाई। घर आ जाऊँ और काम ना हो ऐसा हो सकता है, अभी ही जा रहा हूँ मैं, थोड़ा फैमिली इशू फैमिली काम की वजह से आ रहा हूँ। अभी मुझे भी एक काम है, वो मैं बाद में बताऊँगा, पर पहले मेरे को जाना है द्वारका सेक्टर 14, एक सामान लेके आना। मम्मी को बोला है ना अभी भी, कह रही आ जाओ बराबर, सामान लेके आना, कहीं बनाऊँ हीरो तुझे, बनेगा राइडर, तू बनेगा राइडर। गन्ने का जूस पी रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया था मेरे को, पूरी राइड पे गन्ने का जूस नहीं मिला, पर आज मैं जो गन्ने का जूस। राइनॉक्स का नेविगेटर बैग, फोकस हो जा,
नहीं फोकस नहीं हो रहा है शायद। देख लो भाई कितने काम निपटाने पड़ते भाई। अभी तो काम खत्म हो ही नहीं है, अभी तो नॉर्मल नॉर्मल ऊपर ऊपर वाले काम चल रहे हैं अभी। फेस वॉश और सनस्क्रीन। कावर चरमपरास गिर गया था, बच गया। चलो इसको धूप में रख के आते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। धूप तो वैसे चली गई है पर थोड़ी देर के लिए तो रख ही सकते हैं। ये भाई मेरा स्काला का रेन कवर जो एक्चुअली मैंने आते टाइम बारिश में पहना था, ठंड में भी पहना था। इसको वॉश करना रह रहा है बस, बाकी सारे काम हो गए अपने और कोई काम नहीं रह रहा है। अब बस ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आया हूँ वड़ा पाव लेने, मसाला वड़ा पाव। और ये है सेक्टर नहीं एम आर वी वाली बत्ती पे हूँ और मसाला वड़ा पाव ले रहा हूँ। उसके बाद घर जाऊँगा, खाऊँगा। हेलो जी, तो अभी अभी तुम लोगों ने देखा, वो अभी अभी नहीं था, वो चार कितने मेरे ख्याल से 4 घंटे पहले की बात है। वो अभी 12:15 हो रहे, घर आया, खाना खाया, फिर सोया मैं भाई। पता नहीं नींद ही पूरी नहीं हो रही भाई आने के बाद ट्रिप से, पता नहीं क्या हो रहा। आती पढ़ते ही आग बंद। ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत रेस्ट मिले मेरे को, समा मतलब मम्मी का कॉल आया था बीच में, आपके लिए लेके आना था भाई। इतना नींद आ रही थी मेरे को ना, मैं उठ ही नहीं पाया सीधा डेड कसम से। और अभी उठाऊँ जाके, अब 12:16 हो रहे हैं। और तो बस फिर इस ब्लॉग के लिए इतना रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ख्याल रखें अपना और अपना। बाय बाय। पर फाइनली सारी चीज़ें क्लियर हो गई है भाई। बस मैं बैग भी बाहर जो रखा है ना, वो मेरे को कल पैक करके रखना है बस। फिलहाल तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा अब काम, बस इतना सही है। पीस आउट।